हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। गाइस, आप लोग जो है बर्गर हर कोई खाए होंगे, कोई 20 रुपये का ठेला में जाके खा रहे हैं तो कोई 100 रुपये का ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा के घर में ही खा रहे होंगे। लेकिन आज हम आप लोग को बताने वाले हैं जो जो स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, उसमें से जो सबसे महंगा होता है, जो सबसे हाई लेवल का होता है बर्गर, उसको आज हम आप लोग को दिखाने वाले हैं। तो ऑर्डर यहाँ पर हम करके तो लाए थे, हमको लगता है 1-2 घंटा तो हो गया है, तो इधर लाइट नहीं था, इसके वजह से हम वीडियो शूट कर नहीं पाए हैं तुरंत। तो उसमें आज हम दिखाने वाले हैं कि जो 200 रुपये का जो बर्गर होता है, सिंगल पीस जो 200 रुपये का बर्गर है, उसमें से क्या ऐसा चीज़ डाला हुआ है जो इधर का जो मार्केट के अनुसार जो ऑनलाइन ऑर्डर किए हैं उसमें से क्या डिफरेंट हमको देखने के लिए मिलता है। तो चलिए इसको जो है अनबॉक्सिंग करते हैं। ऐसे तो हम पहले ही निकाल के देख लिए कि कैसे है, लेकिन हम जो पूरा है इसको हम खोले नहीं है, सिर्फ हम इसके इसमें देखे हैं कि किस प्रकार से बर्गर है। तो यहाँ पे स्विगी का यहाँ पे टैप लगाया हुआ है, तो इसको यहाँ पे हटाते हैं और इसके अंदर क्या क्या है उससे पहले हम आप लोग को बता देते हैं। ये प्लास्टिक में आया था, इसमें से 2 यहाँ पे टिश्यू पेपर दिया हुआ था, पता नहीं इधर गिर गया है। और इसके अंदर जो है वो यहाँ पे बर्गर है, देख सकते हैं। पैकिंग का अगर बात करें तो पैकिंग काफ़ी बेहतरीन तरीके से किया हुआ है। सिर्फ हम इतना ही मतलब कि खोल के पहले से देखे थे कि इसके अंदर है या नहीं है। और इसमें जो है वो यहाँ पे एक सॉस दिया है, टमाटो सॉस दिया हुआ है। और इसमें से कुछ हम ऐड किए थे, ये जो है ये आलू का जो होता है फ्रेंच फ्राई जिसको बोलते हैं, वो थोड़ा बहुत ऐड कर दिए थे, इसी के साथ दे रहा था। और ये यहाँ पे बर्गर है, ये है बर्गर जो पूरा जो होता है स्विगी जोमेटो में होता है। स्विगी से हम ऑर्डर किए हैं तो उसमें से सबसे जो महंगा होता है बर्गर, जो हाई लेवल का होता है, उसको यहाँ पे हम ऑर्डर किए थे। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसका पैकिंग है, इसके ऊपर यहाँ पे एक घंटा लगाया हुआ है, इसको पूरा पैक करके रखा हुआ है, इसके लिए यहाँ पर लगाया हुआ है। तो इसको निकालते हैं यहाँ पे, यहाँ पे ये है, और इसको यहाँ पे खोल के हम आप लोगों को दिखाते हैं कि किस प्रकार से है। 200 का जो बर्गर है वो देखिए कुछ इस प्रकार से बर्गर है। इसको हम थोड़ा सा लेट से यहाँ पे अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लाइट का मेरे पास कमी था, उसके वजह से हम इसको जल्दी नहीं कर पाए हैं। और चलिए सबसे पहले हम ये जो बर्गर होता है इसमें क्या क्या डाला हुआ है उसको हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए ऊपर से यहाँ पर पावरोटी डाला हुआ है, और इसके अंदर क्या क्या है सारा कुछ हम निकाल के दिखाई देते हैं आप लोग। तो इसका अंदर देख सकते हैं, ये पता नहीं वाइट वाइट से क्या है, इसको पहले रख लेते हैं उसके बाद हम दिखाते हैं। पता नहीं उसके बारे में आइडिया हमको नहीं है। यहाँ पे कुछ डाला हुआ है, बस यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, हमको उतना ज़्यादा आइडिया नहीं है कि क्या क्या इसमें डाला हुआ है। और इसमें यहाँ पे टमाटर डाला हुआ है और यहाँ पे खीरा डाला हुआ है, बस इतना ही है। इसको जो है कुछ इस प्रकार से रखा हुआ था। और ये जो है 200 रुपये का यहाँ पे बर्गर बन के हो चुका है तैयार। इसको तो टेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि हम खुद इसको लेट से यहाँ पे अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो 200 रुपये का यहाँ पर जो बर्गर दिख रहा है वो 200 रुपये लायक है नहीं, देख सकते हैं। गौर से देखिए, नीचे एक पार रोटी डाला हुआ है, उसके ऊपर यहाँ पे खीरा डाला हुआ है, टमाटर डाला हुआ है, और ये जो वाइट वाइट है उस वो क्या है वो हमको पता नहीं चल रहा है, और यहाँ पे ब्लैक ब्लैक कुछ डाला हुआ है इसके बारे में हमको भी पता नहीं। सिर्फ हम वीडियो बनाने के लिए ऑर्डर करके आप लोगों को दिखाने के लिए लाए थे कि 200 रुपये का जो बर्गर होता है वो किस प्रकार से दिखता है, कैसा खाने में लगता है, सो खाने का जो टेस्ट है वो तो पूरा पूरी तरह से परिवर्तन हो चुका होगा, चूँकि ये पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, डिलीवर हुए मतलब कि 2 घंटा हो चुका है, लेकिन फिर भी टेस्ट करके हम आप लोग को बताते हैं। ऐसे तो खाने का मन नहीं कर रहा है, 200 रुपये बर्बाद हो जाएगा। टेस्ट उतना भी ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ है, लेकिन इसका जो रेट है काफ़ी हाई था। कोई बोलेगा इसको कि 200 रुपये का ये चीज़ है, सिर्फ पारोटी नीचे ऊपर लगाया हुआ, खीरा लगाया हुआ है, टमाटर लगाया हुआ है, बस 200 रुपये। वैसे खाने में तो उतना भी ज़्यादा ख़राब नहीं लग रहा है, लेकिन 200 रुपये काफ़ी ज़्यादा महंगा है।
चलिए बाद में हम खा कर इसको ख़त्म कर देंगे, क्योंकि 200 रुपये लगाए तो इसको वेस्ट नहीं होने देंगे। बस बाकी हम आप लोग को दिखाना चाह रहे थे कि 200 रुपये का जो बर्गर होता है वो किस प्रकार से दिखता है। आप लोग जो ठेला में मार्केट में खरीदते होंगे, 20 रुपये 30 रुपये लग रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा हम लोग दे दिए हैं पैसा, लेकिन इसको जब देखिएगा और वहाँ से कंपेयर कीजिएगा तो लगेगा कि 10 रुपये 20 रुपये को बड़ा बात नहीं है। इसके अनुसार ये है 200 रुपये का, वो फिर से दिखा देते हैं। तो अगर आप लोग 200 रुपये का बर्गर नहीं देखेंगे तो इस वीडियो में आप लोगों को हम दिखा दिए हैं। वीडियो पसंद तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसा ही किसी नए कमाल का नए वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।